आज की सेशन में हम स्टार्ट करेंगे एक्सट्रैक्शन टेक्निक। ये बी फार्म थर्ड ईयर फार्माकोग्नोसिस सेकंड BP504T में लास्ट यूनिट का टॉपिक है मॉडर्न एक्सट्रैक्शन टेक्निक। तो यहाँ हम एक्सट्रैक्शन किसे कहते हैं और कितने टाइप के होते हैं, किस तरीके से हमें एक्सट्रैक्शन करना चाहिए, एक्सट्रैक्शन की क्या इंपॉर्टेंस, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं एक्सट्रैक्शन टेक्निक्स। सबसे पहले हम देखेंगे फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन। हम इसको थोड़ा सा हाईलाइट भी कर लें। फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन को हम देखें, इसको फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन। तो हम जब भी फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उसमें कुछ स्टेप्स होते हैं। हम किसी प्लांट की या किसी फाइटोकेमिकल को हमें एक्सट्रैक्ट आउट करना है या आइसोलेट करना है, या कोई हमें किसी प्लांट के ऊपर रिसर्च करनी है, तो उसके लिए हम कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे। इसमें जो है एक्सट्रैक्शन फर्स्ट स्टेप होता है। तो यहाँ पे जो फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन में कुछ स्टेप्स हैं, जैसे कि एक्सट्रैक्शन ऑफ प्लांट मटेरियल। सबसे पहले हम प्लांट मटेरियल को मटेरियल जो लेंगे उसका एक्सट्रैक्शन करेंगे। देन उसमें से हम फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स को सेपरेशन करते हैं, सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स। एंड थर्ड स्टेप इसमें है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि किसी भी प्लांट पे हमें अगर रिसर्च करना होता है, प्लांट को हमें वर्क करना होता है, तो उस प्लांट को सबसे पहले ड्राई करते हैं। ड्राई करने के बाद में उसको एक्सट्रैक्शन हम करते हैं, और एक्सट्रैक्शन करने के बाद में जो हमें एक्सट्रैक्ट मिलता है उस एक्सट्रैक्ट में से हम फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स, फाइटो मीन प्लांट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, प्लांट्स के अंदर जो केमिकल कंपाउंड्स हैं उनको सेपरेट करते हैं, उनको प्योरीफाई करते हैं। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, इनको सेपरेशन और प्योरीफाई करने के बाद में हम इन फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स का आइडेंटिफिकेशन करते हैं। तो ये एक फाइटो केमिकल इन्वेस्टिगेशन के कुछ स्टेप्स हैं, और इसी के अकॉर्डिंग हमको ये वर्क करना होता है। वहीं नेक्स्ट स्टेप हम देखें तो एक्सट्रैक्शन ऑफ प्लांट मटेरियल। एक्सट्रैक्शन ऑफ प्लांट मटेरियल में हम जो है कुछ स्टेप्स इसमें भी हमें फॉलो कर रहे होते हैं। सबसे पहले करेक्टली आइडेंटिफाइड प्लांट मटेरियल ड्राइड। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो प्लांट मटेरियल लेंगे उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं कि किस प्लांट पे हम काम कर रहे हैं, किस प्लांट को हम को रिसर्च करना है, किस प्लांट को हमें एक्सट्रैक्शन करना है, उसको करेक्टली आइडेंटिफाई करना होता है। और हम उसको ऑथेंटिफाई भी कराते हैं किसी बोटेनिस्ट से, किसी बोटेनिस्ट से उसका हम प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन हम कराते हैं। और हम उसको प्लांट को आइडेंटिफाई करने के बाद में हम उसको ड्राई करेंगे, और ड्राई करने के लिए हम बेसिकली हम देखते हैं कि इसको बिलो 60 डिग्री सेंटीग्रेड, 60 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर पर हम उसको ड्राई करते हैं, जिससे कि उसमें जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जो एक्टिव केमिकल कंपाउंड्स हैं, वो डिग्रेड ना हो। वहीं दूसरा हम देखें फोटो सेंसिटिव मटेरियल। फोटो सेंसिटिव मटेरियल अगर प्लांट्स के अंदर हैं तो उनको जो है ऐसे प्लांट्स को हमें शेड में ड्राई करना होता है। इसके बाद में जैसे हमने एक प्लांट होता है डिजिटालिस, डिजिटालिस लेनाटा, डिगॉक्सिन कंपाउंड होता है, एक ड्रग है जो कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में यूज़ होता है। तो अगर हम डिजिटलिस की लीव्स को मोर देन 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करें तो उसमें डिगॉक्सिन कंटेंट डिग्रेड हो जाता है, और अगर डिगॉक्सिन कंटेंट डिग्रेड हो जाएगा तो हमें कुछ उसमें से एक्टिव कंस्टेंट नहीं मिलेगा, तो उसे हमारा जो वर्क है वो ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे हम फोटो सेंसिटिव मटेरियल को भी हम जो है शेड में ड्राई करते हैं, और जो प्लांट मटेरियल है उसको हम बिलो 60 डिग्री सेंटीग्रेड, लेस देन 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर हम उसको ड्राई करते हैं। इसके बाद में हम थर्ड पार्ट हम देखें इसमें कि ड्राइड प्लांट मटेरियल इज कोर्सली पाउडर्ड देन एंड एक्सट्रैक्टेड बाई मीन्स ऑफ सुटेबल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक एल्कोहल, पेट्रोलियम ईथर, क्लोरोफॉर्म, हेक्सीन एट्सेट्रा। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो ड्राइड प्लांट मटेरियल है उसको हम जो है पाउडर तो बनाते हैं, उसका कोर्सली पाउडर करते हैं, कोर्सली पाउडर हम कर सकते हैं, कोर्स पाउडर बनाते हैं, और उसको हम फिर सुटेबल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं। और हमें इसे देखना होता है कि सबसे पहले हम चेक करते हैं कि उस सॉल्वेंट में वो सॉलिबिलिटी कितनी है उसकी, इसको
उसके अकॉर्डिंग ही हम बाद में एक्सट्रैक्शन करते हैं। तो ये कुछ कंडीशंस हैं प्लांट मटेरियल के एक्सट्रैक्शन के लिए। यहाँ आगे हम देखें कि इफ़ेक्टिव एक्सट्रैक्शन डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ पाउडर्ड ड्रग। ये पाउडर जो ड्रग है उसका जो पार्टिकल साइज है उसके ऊपर जो एक्सट्रैक्शन जो डिपेंड करता है, जैसे क्योंकि जो है स्मॉल पार्टिकल्स हैव लार्ज सरफेस एरिया, अगर पार्टिकल साइज कम होगा तो सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो उसमें एक्सट्रैक्शन बहुत अच्छी तरीके से होगा। तो स्मॉल पार्टिकल्स हैव लार्ज सरफेस एरिया सो दे कैन बी एक्सट्रैक्टेड मोर एफिशिएंटली। देन थर्ड पॉइंट इसमें है कि इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ प्लांट मटेरियल इज सिलेक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अब यहाँ पे हम देखें कि यहाँ पे सॉल्वेंट को भी सिलेक्ट करना एक जो वो एक एक्सट्रैक्शन का एक्सट्रैक्शन टेक्निक का एक इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है। तो एक सुटेबल सॉल्वेंट होना चाहिए जिसमें हम एक्सट्रैक्शन हम करते हैं। देन यहाँ पे इसमें देखें नेक्स्ट, अगर हम जो है इफ़ प्रॉपर सॉल्वेंट इज़ नॉट यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ प्लांट मटेरियल इट मे रिजल्ट टू लॉस ऑफ एक्सेस ऑफ एक्टिव कंपाउंड्स। अगर प्रॉपर सॉल्वेंट हमने यूज़ नहीं किया है एक्सट्रैक्शन टेक्निक में, एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर में, तो उसमें क्या है कि एक्टिव कंपाउंड्स को भी जो है वो लॉस हो जाता है उनका, और यूज़ ऑफ इनअप्रोप्रिएट एक्सट्रैक्शन मेथड भी। अब यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ एक बार इसको और देख लेते हैं कि हमें ये देखा कि कुछ जो फैक्टर्स हैं इसमें, हम कह सकते हैं कि पार्टिकल साइज और इस डिपेंड करता है एक्सट्रैक्शन टेक्निक को, और सरफेस एरिया बढ़ जाता है पार्टिकल साइज कम होने से, इसलिए एक्सट्रैक्शन ज़्यादा अच्छे तरीके से होता है, और तीसरा इसमें है कि एक सुटेबल सॉल्वेंट को भी हमें सेलेक्ट करना होता है एक्सट्रैक्शन के लिए। तो हमने बस में देखा कि अगर सॉल्वेंट जो है हमने प्रॉपर नहीं है तो फिर एक्टिव कंपाउंड्स का लॉस होगा। और नेक्स्ट इसमें देखें कि यूज़ ऑफ इन अप्रोप्रिएट एक्सट्रैक्शन मैथड, अगर हम इन अप्रोप्रिएट मेथड यूज़ करते हैं एक्सट्रैक्शन के लिए तो उसमें भी जो है जो केमिकल कंपाउंड्स हैं, जो फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, वो भी डिग्रेड हो जाते हैं, जैसे कि स्ट्रॉन्ग हीटिंग। अगर हम स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हैं प्लांट मटेरियल की इस सॉल्वेंट के साथ में, तो इससे क्या होगा कि डिग्रेडेशन ऑफ एक्टिव कंपाउंड्स, और एक्टिव कंपाउंड्स डिग्रेड हो जाएंगे और इससे जो फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी भी लॉस्ट हो जाएगी, कम हो जाएगी, उस ड्रग का जो थेरेप्यूटिक एफिकेसी है वो भी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें कई चीज़ों का ध्यान हमें रखना है। एक तो जो है प्रॉपर तरीके से हमें सॉल्वेंट यूज़ करना है, जो प्रॉपर सॉल्वेंट यूज़ करना है, प्रॉपरली ड्राइड उसको ड्रग को करना है, उसको कोर्सली पाउडर करना है। कोर्सली पाउडर करने के बाद में हमें जो है एक अप्रोप्रिएट मेथड भी इसमें यूज़ करना है जो है एक्सट्रैक्शन के लिए। देन यहाँ पे बात कर लेते हैं कि एक्सट्रैक्शन मेथड्स की, कुछ एक्सट्रैक्शन मेथड्स हम यूज़ करते हैं। इसमें फर्स्ट है कन्वेंशनल एक्सट्रैक्शन प्रोसेसेस, जो हम बेसिकली यूज़ करते हैं। ये एक्सट्रैक्शन मेथड आप लोगों ने बी फॉर्म फर्स्ट ईयर में फार्मास्यूटिक्स में भी आपने पढ़े होंगे, जैसे कि इसमें पहला है मैसेरेशन। तो मैसेरेशन में हम लोग क्या करते हैं कि जो प्लांट मटीरियल होता है उसको कोर्सली पाउडर करते हैं, और पाउडर करने के बाद में हम उसको जो है एक वेट क्वांटिटी ऑफ पाउडर्ड ड्रग को हम सॉल्वेंट के साथ में हम उसको रखते हैं, जो हम सॉल्वेंट में उसको डाल के रखते हैं कोल्ड सॉल्वेंट में, और सॉल्वेंट को हम रूम टेम्परेचर पर रखते हैं, और उसको 24 आवर्स के बाद में हम 24 घंटे के बाद उस सॉल्वेंट में जो हमने ड्रग यूज़ किया था हम उसको फ़िल्टर करते हैं, और फ़िल्टर करने के बाद में जो सॉल्वेंट हमें मिलता है, जो फिल्ट्रेट मिलता है, अब उसमें से सॉल्वेंट को इवेपोरेट करके हम ये देख लेते हैं कि कितना मटेरियल जो है, कितना ड्रग का कितना अमाउंट उस सॉल्वेंट में जो है एक्सट्रैक्ट आउट हुआ है। तो ये एक मैसेरेशन हुआ। दूसरा डाइजेशन, हॉट पर्कोलेशन, इन्फ्यूजन, डिकॉक्शन, और एक्सट्रैक्शन बाई एजिटेशन और अंडर प्रेशर एंड कंटिन्यूस एक्सट्रैक्शन, सॉक्सेट एक्सट्रैक्शन। ये सारे जो है डाइजेशन, हॉट पर्कोलेशन, इन्फ्यूजन, डिकॉक्शन, ये सब जो है आपने इसमें पढ़े हैं फर्स्ट ईयर में। तो यहाँ हम देखते हैं कि मेन जो इसमें यहाँ पे देखते हैं कंटिन्यूस एक्सट्रैक्शन और सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन। यहाँ फार्माकोग्नोसी में या हर्बल ड्रग के एक्सट्रैक्शन में हम जो है सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन का यूज़ काफ़ी हमने करना होता है, और इसके काफ़ी बेनिफिट्स भी हैं, हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद में हम देखते हैं
एक्सट्रैक्शन मेथड्स ऑफ फॉर इसेंशियल ऑयल्स। यहाँ कुछ जो इसेंशियल ऑयल्स होते हैं, जो वोलेटाइल ऑयल्स होते हैं जैसे कि टर्पिनॉइड्स वगैरह, इसके लिए जो हम कुछ अलग से टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं, जैसे कि इसमें है स्टीम डिस्टिलेशन, सेकंड है इसमें एक्सप्रेशन और कोल्ड प्रेसिंग, थर्ड है इसमें एनफ्लोरेज मेथड, और नेक्स्ट इसमें है एक्सट्रैक्शन बाय मींस ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। तो ये इसेंशियल ऑयल्स को एक्सट्रैक्ट आउट करने के कुछ मेथड्स हैं। हम स्टीम डिस्टिल करते हैं, एक्सप्रेशन और कोल्ड प्रेसिंग हम करते हैं, कि इसमें जो जैसे कि आपने देखा होगा जो संतरे का जो छिलका होता है, जो ऑरेंज पील होती है, उसको हम अगर उसको स्क्वीज़ करते हैं, उसको हम उसको निचोड़ते हैं एक तरह से, उसको उसमें से जो है उसका जो ऑयली पार्ट है वो निकल जाता है, ठीक है। उसमें दूसरा इसमें एनफ्लोरेज मेथड है। एनफ्लोरेज मेथड में हम क्या करते हैं कि एक ग्लास प्लेट पे हम वैक्स लेते हैं, और वैक्स के ऊपर कुछ फ्लावर्स के पेटल्स को हम रखते हैं, और उससे भी क्या होता है, जो एसेंशियल ऑयल्स होते हैं पेटल्स में, वो फैट के में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं, जब तक वो सेचुरेशन ना हो जाए, हम फ्रेश पीटल्स को चेंज करते हैं, और बाद में हम किसी जो है सॉल्वेंट में इसको डिसॉल्व करके हम वो ऑयल्स उसको निकाल लेते हैं। तो यहीं पे एक्सट्रैक्शन बाय मींस ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं। तो ये कुछ मेथड्स हैं एक्सट्रैक्शन मेथड्स एसेंशियल ऑयल्स को एक्सट्रैक्ट करने के। नेक्स्ट इसमें है नोवल एक्सट्रैक्शन मेथड्स। कुछ नए एक्सट्रैक्शन मेथड्स भी हैं यहाँ पर, जैसे कि एक्सट्रैक्शन अंडर वैक्यूम, सुपर क्रिटिकल फ्लूड एक्सट्रैक्शन, फ्लैश क्रोमेटोग्राफी, माइक्रोवेव असिस्टेड एक्सट्रैक्शन आजकल काफ़ी यूज़ होता है, और अल्ट्रासाउंड एक्सट्रैक्शन एंड सेंट्रीफ्यूगल काउंटर करंट क्रोमेटोग्राफी। ये कुछ नोवल एक्सट्रैक्शन मेथड्स हैं जहाँ जो आजकल इसमें यूज़ किए जाते हैं एक्सट्रैक्शन के लिए। इसके बाद कुछ की पॉइंट्स भी हम देख लेते हैं यहाँ पे, कि हमने एक्सट्रैक्शन मेथड्स हम देखे, यहाँ की कुछ की पॉइंट्स हम देखें, जैसे न्यूमेरस एक्सट्रैक्शन मेथड्स आर अवेलेबल नाउडेज। कुछ बहुत सारे एक्सट्रैक्शन मेथड्स आजकल अवेलेबल हैं जिससे हम एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक सिंपलेस्ट मेथड है कोल्ड एक्सट्रैक्शन। तो कोल्ड एक्सट्रैक्शन में हम क्या करते हैं, इन दिस मेथड ग्राउंड एंड ड्राइड प्लांट मटेरियल इज एक्सट्रैक्टेड एट रूम टेम्परेचर सब्सिक्वेंटली विद सॉल्वेंट ऑफ इंक्रीजिंग पोलैरिटी। यहाँ पे जो है जो प्लांट मटेरियल है उसको ड्राई करते हैं, उसको ग्राउंड उसको पाउडर फॉर्म में करते हैं, और पाउडर फॉर्म में करने के बाद में हम इसको रूम टेम्परेचर पर हम सॉल्वेंट में इसको हम जो है एक्सट्रैक्शन करते हैं क्या, और सॉल्वेंट भी जो हम इसमें यूज़ करते हैं वो इंक्रीजिंग पोलैरिटी हम यूज़ करते हैं। पहले हम नॉन पोलर सॉल्वेंट लेंगे, फिर मोर पोलर, देन मोर पोलर, देन अगेन मोर पोलर। तो इससे क्या होता है कि अलग अलग जो सॉल्वेंट्स हैं उनमें अलग अलग कंपाउंड्स हमें मिल जाते हैं। तो यहाँ पे देखें, एट फर्स्ट पेट्रोलियम ईथर, एट फर्स्ट जो है पेट्रोलियम ईथर और हेक्सेन, देन क्लोरोफॉर्म, देन इथाइल एसीटेट, देन मीथेनॉल, एंड फाइनली वाटर में भी यूज्ड। तो ये सॉल्वेंट हम इसमें सक्सेसिव एक्सट्रैक्शन भी सो हम कह सकते हैं, इसमें हम यूज़ करते हैं पोलैरिटी इंक्रीजिंग पोलैरिटी के लिए। यही पर हम देखें तो इट इज़ अ सॉफ्ट एक्सट्रैक्शन मेथड एज द एक्सट्रैक्ट इज नॉट हीटेड। यहाँ पे जो है बिल्कुल सॉफ्ट है, क्योंकि इसमें केमिकल कंपाउंड्स का डिग्रेडेशन भी नहीं होता है, क्योंकि इसमें हीटिंग की नीड ही नहीं होती। और यहीं पे देयर आर मिनिमम चांसेस ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ एक्टिव कंपाउंड्स, यहाँ पे एक्टिव कंपाउंड्स का डिग्रेडेशन भी नहीं होता ये कोल्ड एक्सट्रैक्शन मेथड में। तो यहाँ पे देन द यूज़ ऑफ सॉल्वेंट ऑफ इंक्रीजिंग पोलैरिटी एनेबल्स डिवीजन ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट और एक्टिव कंपोनेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर पोलैरिटी एंड सॉलिबिलिटी एंड सो सिंप्लीफाई द आइसोलेशन प्रोसेस। अब यहाँ पे जो है ये हम अगर अलग अलग सॉल्वेंट इसमें यूज़ करते हैं, तो हमें जो है जो कभी एक्टिव कंपाउंड्स हमें अलग अलग इसमें मिल जाते हैं पोलैरिटी के अकॉर्डिंगली, और हम इसको फिर बाद में आइसोलेशन प्रोसेस भी इजी जो इसको इजी हो जाता है, इसको आइसोलेट करने का अब भी हमें इसमें आसान हो जाता है। देन दूसरा इसमें वहीं पे हॉट परकोलेशन। हॉट परकोलेशन मेथड भी में हम क्या करते हैं कि मटेरियल इज टेकन इन ए राउंड बॉटम फ्लास्क कंटेनिंग सॉल्वेंट एंड मिक्सचर इज हीटेड अंडर रिफ्लक्स। हम क्या करते हैं इसमें कि राउंड बॉटम फ्लास्क में मटेरियल लेते हैं और उसको हीट करते हैं, और इसमें जो है इस मेथड में प्लांट मटेरियल इज स्टीव्ड यूजिंग सॉल्वेंट सच एज इथेनॉल। एंड देन ड्रॉबैक इसका क्या है कि इस मेथड में लॉन्ग टर्म हीटिंग करनी पड़ती है, और जिससे जो एक्टिव कंपोनेंट्स हैं वो डिग्रेड हो सकते हैं। तो ये कुछ एक्सट्रैक्शन के बारे में हुआ, कुछ इसके मेथड्स हुए, कुछ इसकी जो है कोल्ड एक्सट्रैक्शन और हॉट परकोलेशन के बारे में हुआ। तो ये कुछ मेथड्स हैं, इसको आप देखें
और अभी एग्ज़ाम की तैयारी करें। धन्यवाद।